रायपुर ले चलते हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राज्य के श्रम मंत्री डॉक्टर पीयूष कुमार खेड़िया जी, राज्य के उद्योग मंत्री और बस्तर से आने वाले, बस्तर की परिस्थितियों को समझने वाले प्रवासी लखमा जी, प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, संचार विभाग के सम्मानित सदस्य सुशील आनंद शुक्ला जी, प्रवक्ता विकास तिवारी जी, धनंजय ठाकुर जी, प्रकाश मणि वैष्णव जी, और सबसे बढ़कर आप सभी पत्रकार साथियों जो अल्प सूचना में हमारे बीच यहां उपस्थित हुए, एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप सबको हमने बुलाया है। मैं आदरणीय अकबर भी अपने निवेदन करूंगा कि वे सीधे आपसे चर्चा करें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का बड़ा दौर चल रहा है, विशेषकर आदिवासी समुदाय को लेकर, आदिवासियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रहते हुए आदिवासियों का खूब शोषण करते हैं और हमेशा ठगने का प्रयास करते हैं, कभी गाय के नाम पर और कभी नौकरी देने के नाम पर। और सत्ता से हटते ही सबसे बड़े हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। अब आदिवासियों ने इनको समझ आदिवासी इनको समझ चुके हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि 2018 के आम चुनाव में बस्तर और सरगुजा क्षेत्र, जो पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है, वहां इनका सफाया हो गया, इनका नाम लेवा कोई नहीं बचा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 15 साल तक राज किया। इन 15 सालों में सबसे अधिक जमीन इन 15 सालों में ही आदिवासियों की बिकी। नियम विरुद्ध कलेक्टरों को दबाव डाल डालकर औद्योगिक इकाइयों को जमीन दिला दिया गया। जांजगीर चांपा में केएसके पावर प्लांट, ये आदिवासियों के जो हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं। केएसके पावर प्लांट में पहले तो आप नियम समझ लीजिए कि कोई भी आदिवासी यदि अपनी जमीन को बेचना चाहता है तो जमीन बेचने के बाद बचत भूमि 5 एकड़ उसके पास होना चाहिए उसकी आजीविका के लिए। जांजगीर चांपा एक पावर प्लांट के लिए कुल एक आदिवासी परिवार की 50 डिसमिल जमीन थी। तहसीलदार से एसडीएम होते हुए प्रस्ताव गया, कलेक्टर 5 एकड़ से कम भूमि यदि आजीविका के लिए नहीं बची है तो उसका अनुमति नहीं दे सकते, ये नियम के हिसाब से। नीचे से प्रस्ताव गया, उसमें यह लिखा हुआ है कि आदिवासी परिवार है, कुल 50 डिसमिल जमीन इसके पास है और इसकी भी अनुमति देकर यदि यह जमीन बिक गई तो ये क्या करेगा। तत्कालीन कलेक्टर ने लिखा कि मजदूरी करेगा और उसका परमिशन दिया। ये आदिवासियों के हितैषी सरकार के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। टाटा के बारे में आप सब जानते हैं, जिस दिन टाटा के बारे में बात रखी गई, विधानसभा में घोषणा की गई, बस्तर के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया, 2500 एकड़ जमीन किसानों के ले लिए, आदिवासियों के ले लिए, और पूरा समय बीत गया, दोबारा टाइम दिए वो भी बीत गया, उद्योग नहीं लगा। वायदे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी जी ये गए और वो आदिवासियों की जमीन को उन्होंने वापस कराया। पंडरिया के एक गांव में वीडियोकॉन की एक कंपनी आई, वीडियोकॉन की एक कंपनी ने 110 एकड़ जमीन एक ऐसे आदिवासी के नाम पे खरीदा सरकार की मिलीभगत से, जो मनरेगा मजदूर था, 110 एकड़ जमीन।
मनरेगा मजदूर के नाम से 110 एकड़ जमीन उसने खरीदा, कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। मैंने स्वयं विधानसभा में इस बारे में बात की, विधानसभा लगाया तो उसमें जाकर उसके नामांतरण पर रोक लगाई गई। ये आदिवासियों के हितैषी बनने वाली सरकार के कारनामे जो आपके सामने मैं लाना जरूरी समझता हूं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन के आखिरी दिनों में एक कानून बनाने की तैयारी हो गई। उस कानून में यह लिखा था कि योजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन ली जा सकती है। उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि योजना के नाम पर पहले आदिवासियों की जमीन लो, लैंड बैंक बनाओ और मन चाहा फिर जो भी उद्योगपति है उसको आवंटित कर दो। कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया कि आदिवासियों की जमीन योजना के नाम पर भी आप नहीं ले सकते जब तक उस नियम का पालन ना हो, उस अनुमति का पालन ना हो, और कांग्रेस के विरोध के कारण उसको लंबित रखा गया, वो पारित नहीं हो पाया। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो काम है वो आपकी जानकारी मैंने दिया हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री श्री बृज मोहन अग्रवाल जी ने कुछ आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में वनवासियों के पास कोई काम नहीं है, उनके सामने भूखे मरने की नौबत है। तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, जो भारत सरकार ने आंकड़े प्रसारित किए हैं ट्राइफेड, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में 112 करोड़ का वर्ष 2020 में, ये पूरे कोरोना काल में 112 करोड़ का 31 लघु वनोपज की खरीदी हुई है। अब बृजमोहन जी खुद मंत्री थे, भाजपा के 2018 में कितने का खरीदे, हमने खरीदा 112 करोड़ का। और तत्कालीन सरकार के समय आरोप लगाने वाले मंत्री जी ने खरीदे 2 करोड़ 55 लाख, 2 करोड़ 55 लाख की कुल खरीदी हुई। अब आइए 2020 के ही आंकड़े के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। हमने 112 करोड़ का खरीदी का काम किया, जो